दो बड़ी खबरें इस वक्त मैं आपको पहले दे दूं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वहां वो पहुंचे हैं। इससे जस्ट पहले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलकर के बाहर गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से। तो ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं सीएम योगी की मीटिंग की प्रधानमंत्री से, और अब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा के साथ। तो पहले एक अपडेट आपको हम दे दें जो इस वक्त गृहमंत्री के और प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, से थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह लगातार तीसरे दिन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के पास, और आज की जो मुलाकात है, मैं श्योर नहीं हूं सौरभ, उसमें अभी जानकारी खंगालनी होगी कि क्या ये मुलाकात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है या फिर ये मुलाकात बाकी तीन राज्यों के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं, जैसे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि अभी अभी पीएम मोदी से मिलकर निकले हैं और बाद में उनको गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलना है। तो क्या ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह किसी निर्देश के लिए गए हैं या फिर बाकी दूसरे राज्यों पर बातचीत के लिए, ये जानकारी अभी आगे आना बाकी है। फिलहाल ये मुलाकात चल रही है और तीसरे दिन, बाकी के दो दिन की बात करें तो वो तो तीनों राज्यों से ही संबंधित थी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के जो नाम तय होने वो भी चर्चा में शामिल, निश्चित तौर पर अमित शाह उन्हें ब्रीफ करेंगे, उसके बाद ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। ऑलरेडी उन नामों को तय कर लिया गया है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसमें अगर लगेगा कि किसी बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत वहां होती है जहां पे किसी प्रकार की ये आशंका हो कि यहां पर कुछ समस्या हो सकती है, तो यूजुअली बीजेपी वहां पर हैवी वेट लोगों को भेजती है, बड़े नेताओं को भेजती है केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे, ताकि कोई अप्रिय स्थिति जैसी जैसे हालात बने तो बहुत आसानी के साथ उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसे में इस केस में राजस्थान में ही वो देखना होगा कि राजस्थान में क्या राजनाथ सिंह जैसे बड़े व्यक्ति को भेजा जाता है या फिर किसी और व्यक्ति को। नहीं, क्योंकि दर्शकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी बात में कि भाई कब पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, तो अभी तक जहाँ गाड़ी कहाँ तक बढ़ी है इतना बता दें। इसमें दो चीज सौरभ दर्शकों को भी जानना बहुत दिलचस्प होगा कि एक तो बीजेपी काम कैसे करती है। जैसे कि पहले दिन में हम लोग बात कर रहे थे कि कल जिन सांसदों का इस्तीफा हुआ उन्हें भी तभी पता चला जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बैठे थे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि आपको अपना इस्तीफा सौंपना है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी काम बीजेपी किस तरीके से करती है। दूसरी बात कि अब से थोड़ी देर पहले मैंने बीजेपी के कई नेताओं से पूछा, वो नेता उल्टे आपसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, हमारे यहाँ कौन बन रहा है, जिस प्रदेश के होते हैं। तो जो पर्यवेक्षक यहाँ पे जाएंगे सौरभ, आपको और दिलचस्पी बता दूँ, इन्हें भी तभी पता चलेगा जब बैठक शुरू होनी होगी उसके 10-15-20 मिनट पहले। और दो से तीन मामले तो ऐसे सामने आए थे, खासतौर पर उत्तराखंड में ही अगर बात कर लें तीरथ सिंह रावत वाले मामले में, कि जब पर्यवेक्षक वहाँ पे बैठे थे फिर फोन आया, वो बाहर निकले फिर उनको नाम बताया गया। तो ऐसा नहीं है कि पर्यवेक्षकों को दिल्ली में जाने के समय ही नाम बता दिया जाएगा, कोशिश ये की जाती है कि तभी बताया जाए जब उसकी जरूरत हो, ताकि माहौल खराब ना हो। बोलिए।